यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले ही सियासी हलचल शुरू हो गई है, जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच सीएम योगी गुरुवार को पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने नई दिल्ली पहुंचे। इस बैठक पर यूपी समेत पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस मीटिंग से आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति की बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। गुरुवार को सीएम योगी ने दिल्ली पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें कई विषयों पर मंथन किया गया। यूपी सीएम के अलावा जितिन प्रसाद भी उस मुलाकात के दौरान मौजूद थे, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी सरकार को कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीते दिन ही अमित शाह से अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद ने भी मुलाकात की। ऐसे में बीजेपी की ओर से यूपी में अपने सहयोगियों पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। पिछले महीने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लखनऊ में लगातार बैठकें की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो सकता है। साथ ही तमाम समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी अपने संगठन में कुछ बदलाव भी कर सकती है। हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। हमारे आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।